कि आप सब लोगों ने बना लिया अभी, ठीक है? ये प्लस माइनस ये सब लोगों को आ गया बनाना, आ गया सब लोगों को। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। जी क्वेश्चन तुम्हारा मेरे समझ नहीं आया वैसे, लेकिन मैं आवाज जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तुम कह रहे हो कि ये जो डेटा है इसको चेंज नहीं करना। हाँ फिर ये वाला ये क्यों चेंज होगा? ये तो यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरी डिस्कशन की है कि ये वाला जो है वो री रेंडर नहीं होता इसके चेंज होने से आपका कंपोनेंट, इसलिए ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आता है, ठीक है? और तुमने अगर ये वाला पार्ट ना कंपोनेंट के अंदर किया हुआ होगा तो तुम्हारा वो जो तुम कह रहे हो ना फिनोमेना, ये तुमने असल में कंपोनेंट के अंदर कर दिया होगा, तो कंपोनेंट री रेंडर होने की सूरत में ये री डिक्लेयर हो जाता है वेरिएबल, ठीक है? तो इसको बाहर रखोगे तो ये फिनोमेना होगा जो मैंने करके दिखाया है। समझ आई ये बात? अच्छा तो फैच डेटा की अब बात कर लेते हैं हम, कि फैच डेटा का क्या मतलब है। यू हैव लर्न हाउ टू गेट समथिंग ऑन पेज विथ रिएक्ट। पेज पे कोई चीज़ कैसे डिस्प्ले करनी है, कैसे लेकर आना है, वो हमने अभी तक सीख लिया है। यू हैव लर्न अबाउट प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज़ को कैसे पास करते हैं और उसको अंदर पकड़ते कैसे हैं। स्टेट टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा विद इन द कंपोनेंट, कि विद इन द कंपोनेंट एक स्टेट कैसे मेंटेन करनी है, एक वेरिएबल कैसे बनाना है, वो हमने देख लिया। बट देयर इज़ वन ग्लेरिंग क्वेश्चन एंड इट्स ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट थिंग रिएक्ट न्यू कमर्स आस्क, हाउ डू यू गेट डेटा फ्रॉम API? जैसे प्लेन HTML की ऐप में हमें अगर इंटरनेट से डेटा फेच करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सियोस के जरिए हम कर लेते हैं, तो ये काम रिएक्ट में कैसे होगा? अ फैंसी फ्रंट एंड इज़ नो गुड विदाउट डेटा। जब तक उस पर सर्वर से डेटा उठ के नहीं आता या इंटरनेट से डेटा नहीं फैच करते, सिर्फ फ्रंट एंड का हमें क्या करना है? तो अब यहाँ से ये बात करें कि हाउ टू फैच डेटा। कह रहा है बिफोर वी डाइव इन देयर इज़ वन थिंग यू नीड टू नो, रिएक्ट इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी एलिगेंस एलाइजेंस, पता नहीं क्या लिखा है उसने, ऑफ एनी पर्टिकुलर वे ऑफ फैचिंग डेटा। कह रहे हैं कि भाई रिएक्ट आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि आप इस पर्टिकुलर तरीके से डेटा फेच करो, ऐसा कुछ नहीं बोलता रिएक्ट। इनफैक्ट एज फार एज रिएक्ट इज़ कंसर्न, इट डज नॉट इवन नो देयर इज़ अ सर्वर इन द पिक्चर, रिएक्ट UI इज़ ओनली। तो कह रहे हैं कि भाई रिएक्ट को ना पता भी नहीं होता कि कोई सर्वर होगा या नहीं होगा, रिएक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है, सही है, आप ये खुद डिसाइड करोगे। ये इसने क्या जुमला लिखा है, इट डज़ नॉट इवन हैव, इट डज़ नॉट इवन नो देर इज़ अ सर्वर इन द पिक्चर एट ऑल, रिएक्ट UI ओनली बेबी। हाँ उसको बैक एंड का नहीं पता कि बैक एंड क्या होता है, सही है, फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि UI बनाने के लिए ये लाइब्रेरी लिखी गई है। अच्छा यू हैव लर्न ऑलरेडी लर्न हाउ टू द कोर पार्ट ऑफ रिएक्ट इज ऑनली द प्रॉप एंड स्टेट, देयर इज़ नो HTTP लाइब्रेरी बिल्ट इन टू रिएक्ट। कह रहे हैं कि भाई रिएक्ट का जो कोर है ना वो ये प्रॉप्स हैं और ये स्टेट, यही रिएक्ट का कोर है। अच्छा अब ये थोड़ी लंबी कर रहा है। सो द वे टू, ये आर्टिकल थोड़ा सा चेंज हुआ है अलबन, पहले ये ऐसा नहीं था, थोड़ा सा चेंज हुआ है। द वे टू मेक दिस वर्क इज टू आइदर यूज रिएक्ट्स लाइफ साइकिल मैथड टू फैच डेटा एट द अप्रोप्रिएट टाइम इन क्लास कंपोनेंट, और यूज द यूज अफेक्ट हुक टू किक ऑफ फैचिंग डेटा एट द फंक्शन कंपोनेंट। अच्छा रिएक्ट जब आई थी ना शुरू शुरू में तो वो क्लास बेस कंपोनेंट्स थे उसके अंदर, राइट? अच्छा क्लास कंपोनेंट यानी कि वो थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली चीज़ों को फॉलो करता था, लेकिन क्या हुआ रिएक्ट की जो कम्युनिटी बनी है अल्टीमेटली, या यूँ कह लो कि जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी थी, उन्होंने इसको फर्दर पुश किया किधर, फंक्शनल कंपोनेंट्स की तरफ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है ना बेसिकली वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं लोग, ठीक है? तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का जिसको चस्का लगा हुआ है उसको कंपोनेंट वाले में ना, इसमें क्लास वाले में मज़ा नहीं आएगा। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई सही है गलत है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता है कि आपने ये वाला तरीका करना है। तो कह रहे हैं कि भाई आपको अगर क्लास कंपोनेंट में आप लिख रहे हैं तो आपको लाइफ साइकिल के मेथड्स एक चीज़ होते हैं उससे आपको करना है,
और अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट कर रहे हैं तो आपको यूज़ इफेक्ट से करना है, तो हम क्लास कंपोनेंट को तो देख भी नहीं रहे, पुराना आइटम है वो, हम यूज़ इफेक्ट देखेंगे जो नया वाला है। ठीक है, अब यार इसको हम छोड़ देते हैं, वो लंबी कर रहा है मेरा वजह। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहले से हमने ऐप बनाई हुई है ना एक React Use State, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक अदद, ठीक है, इसी को कॉपी करके ना एक इसकी मैं कॉपी बना के नाम चेंज कर देता हूँ। सही, ये कॉपी हो रहा है, इसका मैं नाम क्या रखूँगा, यूज़ इफेक्ट हुक, ये नाम रखूँगा इसका मैं, क्योंकि अभी असल में हम हुक पढ़ने जा रहे हैं, यूज़ इफेक्ट वाला हुक। ठीक हो गया जी, यूज़ इफेक्ट का हुक मैंने नाम, अच्छा इसमें मैंने नंबरिंग नहीं की, तो ये असल में क्या है, वन है, ये टू है, वो नंबरिंग ना करने की वजह से ना वो आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो पहले हेलो वर्ल्ड, फिर यूज़ स्टेट, फिर यूज़ इफेक्ट। अच्छा इतने कोड को मैं क्या कर देता हूँ, रीनेम करके कुछ भी कर देता हूँ। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ ये यूज़ इफेक्ट वाले में, इसके अंदर ऐप डॉट जे एस एक्स में जो भी काम लिखा हुआ है पहले से, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं उड़ा दूंगा, ताकि मैं नए सिरे से कुछ इसमें कोड लिख सकूं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने उड़ा दिया इसका। ठीक हो गया, तो ये मेरा एक नई एप्लीकेशन है, इसका मैंने नाम रखा है यूज़ इफेक्ट हुक। अच्छा यूज़ इफेक्ट जो है हम जो पढ़ेंगे वो असल में यूज़ इफेक्ट का काम डेटा फैच करना नहीं होता, वो काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें डेटा फैच करना है यूज़ इफेक्ट के ज़रिए। तो वो डेटा हम कहाँ से फैच करेंगे, हमारा ख़ुद का सर्वर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमारा ख़ुद का सर्वर अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग सर्वर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेदर API। ठीक है, तो क्या ख्याल है, वेदर API कर लें या ख़ुद का सर्वर निकाल लिया जाए? अच्छा वेदर API सब लोगों ने की हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ख़ुद का सर्वर करते हैं, और एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं कि इससे पहले जो हमने सर्वर बनाया था ना, एक क्रड ऑपरेशन किया था हमने, ये PWA वाले में क्रड ऑपरेशन किया था हमने पूरा, है ना, जो लास्ट, तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ही पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक अदद सर्वर लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे एक सर्वर लिखा हुआ है मेरे पास, जिसके अंदर प्रोडक्ट का करके मेरे पास क्रड ऑपरेशन हुआ हुआ है, चार APIs बनी हुई हैं। सही है, ये चार पांच APIs मेरे पास बनी हुई हैं, तो इन पूरी APIs को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और मेरी जो अभी जो मैंने ऐप बनाई है, अभी जो मैंने ये यूज़ इफेक्ट वाली ऐप बनाई है, मैं इसमें क्या करूँगा, इसके रूट पे लाके इस सर्वर को मैं पेस्ट कर दूँगा, ऑब्वियसली सर्वर डॉट MJS। सही है, MJS रखते हैं ना नाम इसका, या सिर्फ JS रखा हुआ था हमने, MJS रखा हुआ था। सही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये यहाँ तो रूट पे तो ये सर्वर डॉट MJS आ गया, तो अब NPM स्टार्ट करने से सर्वर चलेगा या फ्रंट एंड चलेगा? सर्वर चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो दोनों कन्फ्यूज़ हो गए एक्चुअली। सही है, सर्वर डॉट MJS का ज़ाहिर है पैकेज डॉट JSON नहीं है इसमें, तो वो उसमें डिपेंडेंसी कैसे चलेगी? तो मैं इसको क्या करूँगा एक्चुअली, इसको मैं करूँगा पहले डिलीट, वापस डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं आऊँगा, मैं अपने रूट पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा वेब के नाम से, वेब के नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं उठा के कहाँ कर दूँगा, वेब के अंदर कर दूँगा। सही है, ये तमाम की तमाम चीज़ें उठा के मैंने वेब में कर दी, और अब मैं ये Node.js में जाके वो सर्वर पूरा उठाऊँगा यहाँ से। ठीक है, सर्वर में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, एक सर्वर की फाइल है, MJS है, गिट इग्नोर है, ऑब्वियसली नॉड मॉड्यूल भी है। सही है, अब देखो वही हो गया जो हम पहले करते थे, वेब का फोल्डर होता था, उसके अंदर मेरी जो HTML वगैरह होती थी, तो अब मैं लाके इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया, अब मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, रिएक्ट यूज़ इफेक्ट हुक करके फोल्डर है, उसके अंदर रूट पे मेरे पास सर्वर पड़ा हुआ है, और वेब के फोल्डर के अंदर मेरे पास रिएक्ट किया है। सही है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर सर्वर को रन करना है तो मैं npm run dev root पे लिखूँगा, सॉरी रूट पे मैंने कहाँ पे लिख दिया ये, एक मिनट इन सबको बंद करता हूँ, ये मैंने नया टर्मिनल खोला,
और नया टर्मिनल खोल के मैंने कहाँ जाना है, cd3 tab tab enter npm run dev, सही है, सर्वर मेरा रन हो गया। और मैंने एक और टर्मिनल खोला, इसमें मैं कहूँगा cd var और npm start, तो ये मेरा फ्रंट एंड चल गया। तो मेरा सर्वर और मेरा फ्रंट एंड दोनों क्या हो गया, रन हो गया प्रॉपरली। आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रीम लाइन होते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों बात नहीं करो, यहाँ बैठ सकते हो लेकिन बातें नहीं करो, सही, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बराबर वाली क्लास खाली है, वहाँ जा सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट एंड क्या हो चुका है, रन हो चुका है। अच्छा, फ्रंट एंड में दिख रहा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐप डॉट जे एस से सभी कुछ उड़ा दिया। तो ऐप डॉट जे एस में जाके एटलीस्ट मुझे रिटर्न करके ना एक डिव लिखना होगा, ठीक है, इतना लिखना होगा तो फिर इतना दिख जाएगा मुझे। अब क्या करना है, मेरे पास एक सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। किस पे चल रहा है वो, 5001 पे मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5001, वही सर्वर है जो लास्ट हम बना चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इस सर्वर से डेटा फेच करके लाना है। तो मुझे फ्रंट एंड पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक्सियोस की लाइब्रेरी। अच्छा, रिएक्ट में अब एक्सियोस में कैसे करूँगा, npm i एक्सियोस, ठीक है, ऐसे जैसे सर्वर पे होता था अब इसी तरह यहाँ पे भी होगा एक्सप्रेस के रिएक्ट के ऊपर। और मैं npm start दोबारा से रन कर दूँगा, वाई दिस ओके, ये ऐसे रन हो गया, कोई फ़र्क नहीं है फिलहाल के लिए फ्रंट एंड में, सही है, वही है सब कुछ। अब मैंने अपने फ्रंट एंड के ऊपर आके इंपोर्ट करना है किसको, एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। अच्छा, ये मैं कहाँ से देख के कर रहा हूँ, ये मैं एक्सियोस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से देख के कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे हो रहा है तो आपने एक्सियोस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको देखना है, सही है, दिखा दूँ, एक्सियोस लिखा मैंने, ये आ गया गेटिंग स्टार्टेड एक्सियोस, और यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉलेशन देखो ऐसे बताया है, सही है। उसके बाद इंपोर्ट कैसे होगा, स्क्रिप्ट लगा के भी होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट एग्जांपल करूँगा तो ये मुझे रिक्वायर वाली एग्जांपल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि नई वाली जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो हम रिक्वायर की जगह इम्पोर्ट लिखेंगे। अब इन्होंने इम्पोर्ट की एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली कहीं दिखाई होगी ES6 में, वेल तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, ठीक है। तो मैं वापस से कहाँ जाता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन पर जाता हूँ, हाँ सही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। और ये तो आपको पता ही है कि एक्सियोस डॉट गेट करके कैसे लगती है रिक्वेस्ट। तो वंस ये रिक्वायर हो गया तो उसके बाद मैं एक्सियोस डॉट गेट ऐसे करके यहाँ से उठा लेता हूँ। अब ये एक्सियोस डॉट गेट क्वेश्चन ये है कि ये लगेगा कहाँ, सही है, कंपोनेंट के बाहर लगेगा या कंपोनेंट के अंदर लगेगा। अब देखो, समझना है इस चीज़ को बहुत गौर से कि ये चक्कर है क्या, इसका जो रिस्पांस आएगा ना वो मुझे स्क्रीन पे दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिस्पांस जब मुझे कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाना है तो वो रिस्पांस स्टेट वेरिएबल में होना चाहिए, ताकि जब चेंज हो तो, हाँ सही है, ताकि जब, क्योंकि जाहिर है शुरू में जब पेज लोड होगा तो वो तो नहीं होगा, डेटा फैच होगा तो आके उसमें वेरिएबल में डलेगा, और वैसे ही वेरिएबल में डले तो स्क्रीन पर दिखना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, मुझे स्टेट वेरिएबल में इसका रिस्पांस क्योंकि रखवाना है, यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा सेट डेटा, अरे भाई सेट डेटा करके मैं रिस्पांस डॉट डेटा ऐसे रखवाऊँगा ना कि जो भी रिस्पांस में आया उसको सेट डेटा कर दो। अब सेट डेटा मुझे फंक्शन जो कंपोनेंट का फंक्शन है उससे बाहर नहीं मिलता, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गया, ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल भी ऑब्वियसली मैं बना लूँगा, मैंने कहा कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और शुरू में इसको मैंने एम्प्टी एरे रखवा दिया, सही है, क्योंकि एक्चुअली मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे से मैं उसको बोलने लगा हूँ कि भाई
लोकल होस्ट कॉलन 5001 स्लैश और प्रोडक्ट्स, तमाम प्रोडक्ट्स में मंगवा रहा हूँ https://. ठीक है, फिलहाल अभी मैंने इसको सीधा सीधा लिख दिया, वैसे ये होगा बेस URL वाले तरीके से ही जो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। अब इसका जो रिस्पॉन्स है वो सेट डेटा करके मैंने इसमें रखवाना है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है मेरा बच्चा कि जब भी मेरे पास मेरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ये फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा चलता है, सही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तो इनफाइनाइट साइकिल चल जाएगा। वो इनफाइनाइट साइकिल इसलिए चलेगा कि पहली दफ़ा ये चला, ये डेटा डिक्लेयर हो गया। अब इस डेटा को इमेजिन कर लो, मैंने यहाँ डिस्प्ले भी करवा दिया फिलहाल के लिए, ऐसे बाई दफा ये डिस्प्ले होता नहीं है लेकिन जस्ट इन केस मैंने इसको डिस्प्ले फिलहाल ऐसे करवा दिया। अब होगा क्या कि फंक्शन चला, डेटा यहाँ पे डिक्लेयर हुआ एक वेरिएबल एम्प्टी एरे के साथ। अच्छा, एम्प्टी एरे के साथ डिक्लेयर हुआ, अब ये तो है एसिंक्रोनस कॉल, ये कॉल लग तो जाएगी लेकिन इसका रिस्पॉन्स थोड़ी देर में आता है, सही है। फिर इतने में ये रिटर्न हो जाएगा और ये डेटा में जो भी था पहले से एम्प्टी ऑब्जेक्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो डेटा चेंज होगा। अब डेटा चेंज होने की वजह से क्या होगा, री रेंडर होगा। अब की बार डेटा में डेटा मौजूद है, डेटा डिस्प्ले भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये कॉल फिर एक दफ़ा लग जाएगी। तो ये कॉल एक दफ़ा और लगने की वजह से वो फिर इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर चेंज होगा, तो ये इनफाइनाइट साइकिल चल जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। अच्छा, ये डेटा ना ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं होता डिस्प्ले, तो मैं इसको कैसे डिस्प्ले करूँगा, स्ट्रिंगीफाई करके ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने इसको। अच्छा, ये तो कोर्स पॉलिसी का कोई एरर आ गया, ये मेरे सर्वर पे कोर्स पॉलिसी सही नहीं लगी हुई, चेंज कर देते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। ये कोर्स पॉलिसी जो लगी हुई है ये मैंने इसको लगा दिया, सही हो गया। अब इसको चल जाना चाहिए होपफुली, देख रहे हो ये वाली जगह, देख रहे हो उसका स्क्रॉल बार, नेटवर्क के टैब में जाओगे ना तो वहाँ सही दिखेगा, देख रहे हो लगती जा रही है रिक्वेस्ट, इनफाइनाइट हो गया ये, सही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं हो सकता ये, ऐसे करने से मसला ख़राब हो जा रहा है, सही है। तो इस तरह नहीं लग सकता, खुले में तो नहीं लग सकता ये, इसको मैं रिएक्ट के कंपोनेंट के फंक्शन से बाहर ले जा नहीं सकता क्योंकि बाहर मुझे सेट डेटा मिलेगा नहीं। बाहर ले जाके भी देख लेते हैं एक दफ़ा, बाहर कर दिया मैंने उसको। अब बाहर करने से क्या होगा, ये बोलेगा भाई कि जो सेट डेटा आपके ना लाइन नंबर 11 पे, तो ये क्या है लाइन नंबर 11 पे ये जो सेट डेटा है, कह रहा है ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब रहेगा भी ये अंदर। तो इस मसले को हल करने के लिए ना रिएक्ट मुझे देता है एक अदद हुक, ठीक है, दैट हुक इज कॉल्ड यूज़ इफेक्ट, सही है। कॉमा डाला मैंने, यूज़ इफेक्ट को यहाँ से मैंने इम्पोर्ट किया, और मैं क्या करूँगा, जैसे ये हुक बना रहा था ना मैं ऐसे ही क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट बनाऊँगा मैं। अच्छा, गौर से देखो यूज़ इफेक्ट में क्या क्या डल रहा है। यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया है, जस्ट कॉल करते ही पहले पैरामीटर में मैं एक फंक्शन दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये बात बहुत गौर से समझ लो कि ये फंक्शन एसिंक्रोनस नहीं हो सकता, ठीक है। इस फंक्शन में यहाँ पे ऐसे आप एसिंक नहीं लगा सकते, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, डेटा की रेस लग जाती है आपस में, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, वो एम्प्टी एरे होगा लास्ट में, ठीक है। यूज़ इफेक्ट के दो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर एक फंक्शन है और दूसरा पैरामीटर एक एम्प्टी एरे है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब ये एम्प्टी एरे क्या होता है ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है ना आपका, इस फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो कंपोनेंट लोड होते ही एक दफ़ा चल जाएगी बस, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगी, भले जितनी दफ़ा भी मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो, सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, सही है। अब उसके बाद जितनी दफ़ा भी मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो, ये फंक्शन दोबारा नहीं चलेगा। ये फंक्शन दोबारा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो सेकंड वाली बात है ना, ये दिस इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी एरे। तो डिपेंडेंसी एरे मैंने खाली रखा है,
असल में मैं डिपेंडेंसी एरे में बताता हूँ कि कब इस फंक्शन को दोबारा चलाना है, ठीक है? तो वो फिलहाल अभी वो अभी बाद में पढ़ेंगे वो, कि डिपेंडेंसी एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे करते हैं। अच्छा, बुक में आ जाते हैं ज़रा, वो भी इसी तरह की कोई बात कर रहा है, कह रहा है भाई ऐसे करके ना एक आप बना लो स्टेट वेरिएबल, सही है, और उसके बाद अब ना कह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है इसको नीचे डिस्प्ले करवाया, इसने मैप चला के डिस्प्ले करवाया एक्चुअली, ठीक है? अब ये फैच एक्चुअली कैसे कर रहा है वो आगे बता रहा होगा ये, ठीक है? कह रहा है भाई एक्जियोस को इम्पोर्ट कर लो ऊपर से, और एक्जियोस डॉट गेट करके ऐसे लगाओ, और ये पूरा का पूरा काम इसने यूज इफेक्ट के फंक्शन के अंदर किया हुआ, ठीक है? फॉर द वेरी रीज़न कि ये सिर्फ एक दफ़ा चले, बार बार ना चले। और यहाँ पे इसने क्या दिया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट एम्प्टी एरे दिया हुआ है एज ए डिपेंडेंसी एरे, और अब ये डिपेंडेंसी एरे इस जगह पे बता रहा है, वेल डिपेंडेंसी एरे से पहले पहले हम क्या कर लेते हैं, इतने को पहले चला कर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा कोड मैं उठाऊंगा, ऐसे कट करूंगा, और कट करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने तो इसको करना है एसिंक्रोनस तरीके से, ठीक है? मैंने तो ये देन वाला काम नहीं करना, देन तो पुराना हो गया, मुझे तो लगाना है अवेट। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा एक नया, मैं कहूँगा कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट, सही है, इक्वल्स टू और अ फंक्शन एक्चुअली, ठीक है? और मैं कहूँगा कि यार इसके अंदर करो ये काम सारा। मैं ये जस्ट काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस मेन फंक्शन को एसिंक्रोनस नहीं बना सकता, मैं जस्ट इसके अंदर एक और फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अब जो नया फंक्शन बनाया मैंने, इसको कहा भाई एसिंक है, एसिंक होने की वजह से मैं देन हटा देता हूँ इसमें से, देन को कट करके हटा दिया मैंने, ठीक है? अब इसकी जगह मैं ट्राई कैच लगाऊंगा, सही है? और जो देन वाला काम था वो मैं अब इधर कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है? ये रिस्पॉन्स अब यहाँ से हट गया, तो ये कुछ इस तरह का बन गया, ये मेरा खुद का फंक्शन मैंने तैयार कर लिया। और कैच में ऑब्वियसली मैं कुछ एरर को हैंडल करूँगा, फिलहाल मैं इसको जस्ट कॉन्सोल करवा देता हूँ, लेकिन असूलन मुझे ये स्क्रीन पे दिखाना चाहिए ये एरर, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, गेट ऑल प्रोडक्ट के नाम से एक फंक्शन तैयार कर लिया पूरा का पूरा, और ये फंक्शन खुद से तो कॉल नहीं होगा, तो मैं गेट ऑल प्रोडक्ट को ऐसे कॉल भी करवा देता हूँ। तो अब देखो मेरा मेन यूज़ इफेक्ट का फंक्शन ना यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, ये इतना काम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये काम ना एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा कंपोनेंट लोड होते ही, दोबारा ये नहीं चलेगा कभी भी, ठीक है? अच्छा, इतना जब ये एग्जीक्यूट होगा ना तो उसमें फंक्शन डिक्लेयर भी हो जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इतना कोड जब एक दफ़ा चलेगा तो उसमें फंक्शन बन भी जाएगा और चल भी जाएगा, दैट्स इट। अवेट आएगा, यस। सही है, तो ये हमने कर लिया काम। अब जरा देखते हैं कि ये गेट प्रोडक्ट जो है मेरा, अगर तो ये चलेगा तो डेटा के अंदर डेटा आ जाना चाहिए जो कि मैंने स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में नीचे डिस्प्ले करवाया हुआ, ठीक है? आ तो रहा था, पहले भी आया था डेटा, ठीक है? डेटा आ गया। ओए, ये डेवलपर टूल मेरा कहाँ गायब हो गया? अच्छा, इसको मैं अब देखो, अगर क्या करूँगा ना, इसको अगर मैं नेटवर्क को स्लो कर सकूँ, स्लो 3G, तो देखो क्या होगा। रिफ्रेश किया मैंने, शुरू में वो एम्प्टी एरे आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, थोड़ी देर में डेटा उसमें आके फिल हो जाएगा, सही है? थोड़ी देर में उसमें डेटा आके फिल हुआ। अच्छा, थोड़ी देर में जब डेटा आया तो वो सेट डेटा की वजह से रीरेंडर हुआ। अगर ये सेट डेटा नहीं होता ना, अगर ये एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होता तो वो नहीं शो होता फिर, ठीक है? तो ये जो भी इंटरनेट से मैं डेटा फैच करूँगा उसका रिस्पॉन्स मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं यूज़ स्टेट वाले वेरिएबल में रखवाऊँ, अदरवाइज जब उस वेरिएबल को मैं चेंज करूँगा या उसमें डेटा ला के फिल करूँगा तो वो फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा। तो हमने ये सेकेंड हुक पढ़ लिया। ये वाला जो हुक है ये भी यूआई से कनेक्टेड है, ये यूआई से ऐसे कनेक्टेड है कि जब पहली दफ़ा रेंडर होता है तो ये चलता है, दोबारा नहीं चलता। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हुक वो चीज़ होती है कि हुक के चेंज होने से यूआई री रेंडर होती है, या यूआई के रेंडर होने से वो कनेक्टेड होता है, तो ये सेकंड टाइप आ गई समझो। तो
तो ये हमने डेटा को फैच कर लिया, और डेटा को फैच कराने के बाद इस डेटा को मैंने रेंडर करवाना है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे रेंडर करवाने का इसका मेरे तरीका क्या है बेस्ट, कि मैं लूप चला के, जाहिर है एरे है तो इसको लूप चला के मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा। प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में हम क्या करते थे, नहीं डेटा आ गया मेरे पास, अब क्या करते थे, हम उस डेटा पे मैप चलाते थे और हर आइट्रेशन पे एक एलिमेंट गेट करते थे, उसमें इनर एस्टीमेल प्लस 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 करवाते जाते थे। यहाँ पे ये काम ना थोड़ा सा आसान है, निस्बतन थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो अब मैंने जो जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो सारी डिस्प्ले करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा कि क्लास इसकी क्या है भाई, PRODUCT, ठीक है। ये मैं क्लास नेम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं बाद में इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर स्टाइलिंग कर सकूँ, राइट। मैं क्लास नेम इसलिए लगा रहा हूँ। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे अब इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें मुझे चाहिए सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, जो कि H2 में लिखूंगा मैं प्रोडक्ट नेम, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं कहूँगा कि डेटा का इंडेक्स 0, क्योंकि डेटा एक एरे है मुझे पता है, डेटा का इंडेक्स 0 डॉट नेम, सही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट है तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सही है। अच्छा, और क्या है मेरे पास नेम के अलावा इसमें, देखते हैं अगर और क्या है। कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, सही। इसी तरीके से मैं क्या कर दूंगा, कैटेगरी सही है, प्राइस, और लास्ट में एक पैराग्राफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, सही हो गया। एरर किस चीज का आ रहा है, एरर तो नहीं है यार, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, वो नेटवर्क मैंने स्लो किया हुआ इसलिए एरर आ रहा है। अब अबे क्या हो गया इसको, क्या कर दिया मैंने ऐसा। अच्छा, नेम वो कह रहा मुझे मिल नहीं रहा, कह रहा नेम तो है ही नहीं भाई, नहीं डेटा में तो मैंने डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेव करवाया ना। हाँ, वो मुझे समझ आ गया वो क्यों हो रहा है, मुझे समझ आ गया वो क्यों हो रहा है। अच्छा, वो क्यों हो रहा है समझ लो इस चीज़ को, वो इसलिए हो रहा है कि देखो फंक्शन चला, स्टेट वेरिएबल बन गया, ये यूज़ इफेक्ट चल गया एक दफ़ा, लेकिन ये यूज़ इफेक्ट चल तो गया, लेकिन जाहिर है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है ये, तो रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर ये चल जाएगा फौरन। अब डेटा यहाँ पे ना इस पॉइंट पे एम्प्टी एरे है, तो डेटा का इंडेक्स 0 तो है लेकिन उसमें नेम नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नलिश ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, सही है, ताकि कोड ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे पता है ये डेटा आने वाला है, तो यहाँ नलिश ऑपरेटर मुझे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो यही बोलता रहेगा कि नेम मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। अब करते हैं इसको ट्राई, अब क्या मसला हो गया, अब क्या हो गया, डेटा 0 अभी भी नहीं मिल रहा क्या इसको, अच्छा वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डबल है भैया, ये भी हमने उसमें किया हुआ था, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है असल में, वो दो दफ़ा डेटा है, सही है। तो ये पहला आ गया मेरे पास, ठीक हो गया भाई, पहली प्रोडक्ट आ गई। अब मैं दूसरी प्रोडक्ट के लिए क्या करूँगा, इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा, और ये जो वन इंडेक्स है सारा, इसको मैं क्या कर दूँगा, ठीक है, 0 इंडेक्स को 1 कर दूँगा, तो मतलब सेकेंड इंडेक्स की बात हो गई, ये दो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया मेरे पास, ठीक है। और तीसरी प्रोडक्ट के लिए मैं फिर इसी को डुप्लीकेट कर दूंगा और
टू कर दूंगा इसको, ठीक है। अभी अभी रुक जाओ, अभी कर रहे हैं, समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है। अच्छा अब इस चीज़ को मुझे क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली करना है ये। हाँ ये समझ तो आ गया कि डेटा डिस्प्ले हो कैसे रहा है, ये तो समझ आ गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखूंगा ना नहीं डिस्प्ले होता रिएक्ट में। रिएक्ट में आपको सिर्फ नेटिव डेटा यानी स्ट्रिंग नंबर या बूलियन भी प्रिंट नहीं होता, स्ट्रिंग और नंबर ही होता है सिर्फ, ठीक है। या इमेज अगर है तो वो SRC में डाल के होती है, ठीक है। इसी वजह से मैं डॉट लगा के मुझे करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ये डेटा लिखूंगा ना देखो एरर आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट डेटा का इंडेक्स 0 लिखा ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है तो ये देखो क्या करेगा, अब इसके साथ ये एरर आ जाएगा, ठीक है। वो कहेगा भाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, सही है। तो आपको डॉट करके ही लगाना है, जहाँ पे स्ट्रिंग है या नंबर है वही प्रिंट होगा। पूरा ऑब्जेक्ट अगर आपने लिखा है यहाँ पे तो वो तो या तो स्ट्रिंगिफाई करके लिखोगे आप एज अ स्ट्रिंग, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होता। अच्छा ये पूरा काम अब मुझे प्रोग्रामेटिकली करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लगाऊँगा एक अदद मैप। अच्छा मैप कैसे लगाऊँगा मैं, पहले तो मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट की बॉडी बनाऊँगा एक, कि इसके अंदर मैं क्या लिखने लगाऊँ, एक अदद जावास्क्रिप्ट। अब फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं लिखूँगा डेटा डॉट मैप, सही है। और मैप के अंदर ऑब्वियसली एक फंक्शन पास करूँगा मैं, मैप के अंदर एक फंक्शन पास किया, उसके बाद मैंने कहा ईच प्रोडक्ट, इसी तरह लिखते थे हम मैप में जब, क्योंकि हर दफ़ा घूमेगा तो ईच प्रोडक्ट लाएगा ये, दूसरे पे इंडेक्स ये मुझे मिला करेगा। अच्छा अब मुझे करना क्या है असल में, यहाँ से रिटर्न करवाना है मुझे, ये पूरा कट करके मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा और यहाँ से बोलूँगा मैं रिटर्न ऐसे करके। अच्छा क्योंकि रिटर्न मेरा एक लाइन का है तो मुझे एक करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और रिटर्न का कीवर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक करली ब्रैकेट हटा दूंगा, यहाँ पे गोल ब्रैकेट लगा दूंगा, सही है। गोल ब्रैकेट लगा दी और रिटर्न का कीवर्ड हटा दिया, समझ रहे हो, थोड़ा सा फैंसी कर दिया उसको, देख रहे हो। करली ब्रैकेट का मतलब है एक ही लाइन का कोड है ये जो रिटर्न हो रहा है। ऊपर वाले रिटर्न को तो रखना पड़ेगा मुझे, वो नहीं हटा सकता मैं, ये जस्ट इस मैप से था। चलो बल्कि छोड़ो अभी फिलहाल इसको, रिटर्न को रखते हैं, हटाते नहीं हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो मैंने कहा ये रिटर्न ऐसे हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे जो डेटा का इंडेक्स 0 लिखता था मैं, इसमें क्या लिखूँगा मैं, ईच प्रोडक्ट, ठीक है। इंडेक्स के साथ भी लिख सकता था, 0 को हटा के इंडेक्स कर देता, लेकिन शायद ईच प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया मेरा काम, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़, अब क्वेश्चन ये है कि ये मैप जब चलता है तो ये रिटर्न क्या करता है, क्वेश्चन ये, जब ही तो हमें पता चलेगा ना कि ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ बचेगा क्या। मैप जब चलता है तो वो रिटर्न क्या करता है, मैप चलता है एरे पे और रिटर्न भी एरे ही करता है। मैप क्या करता है, एरे पे एग्जीक्यूट डॉट लग के चलता है और रिटर्न भी एक एरे करता है, एक नया एरे, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये चलेगा पूरा और चल के पूरा ये ख़त्म होगा तो कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करेंगे तीन प्रोडक्ट थी हमारे पास, तो ये एक एरे रिटर्न होगा, एरे रिटर्न होगा इस तरह करके, कॉमा कॉमा एरे, सही है, ऐसे करके रिटर्न होगा ये, सही है। एरे का इंडेक्स 1, एरे का इंडेक्स 2, यही होगा ना मैप चलता है तो क्या इसको रिएक्ट समझ सकता है, इसका जवाब है हाँ इसको ये समझ सकता है, ठीक है। अच्छा ये एरे इसको वो उसमें करूँगा ना मैं, जावास्क्रिप्ट की ब्रैकेट में करूँगा, जावास्क्रिप्ट की, वरना तो वो उसको समझेगा कि स्ट्रिंग है ये, तो इसको ये परफेक्टली समझ सकता है। लेकिन ये साथ में क्या कहता है, कहता है कि जब आप इस तरह से करोगे ना तो की का प्रॉप भी देना पड़ेगा आपको एक, ये समझ आया क्या हुआ है। मैप जब चलता है तो वो क्या रिटर्न करता है, एक नया एरे, तो नया एरे कुछ इस तरह से रिटर्न होगा इसका, ठीक है। लेकिन हम तो क्योंकि वो वैसे ही करके करेंगे जैसे ये था, एक ही बात है, एक ही बात है। मैप अगर किसी को भूल गया तो मैं रिमाइंड करवा दूं कि मैप क्या करता है, एक एरे होता है, डॉट मैप कॉल करते हैं, घूमता है वो, पहली दफ़ा घूमता है तो पहला आइटम उठाता है इंडेक्स, दूसरी दफ़ा घूमता है दूसरा आता है। अच्छा तो पहली दफ़ा जब ये फंक्शन चलता है तो इसमें मैं जो चीज़ रिटर्न करता हूँ ना, पहले इंडेक्स में वो पूरी पूरी चीज़ चली जाती है। तो मिसाल के तौर पर जो डेटा का इस वक्त एरे है उसके हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन जब ये मैप चलेगा
डॉट लग के जब मैप चलेगा इस पर तो पहली दफ़ा में ये लाएगा पहले इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो पूरा उठा के लाएगा, जेएस का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का। लेकिन जब यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा ना जेएसएक्स, तो वो पहले इंडेक्स की जो चीज़ थी हो वो जेएसएक्स चला जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन मैप की अच्छी बात यह कि वो ओरिजिनल एरे को कोई चेंज नहीं करता, वो एक नया खुद का एरे बनाता है, नया खुद का एरे बनाता है। तो पहली दफ़ा जब मैं ये रिटर्न कॉल करूँगा तो ये जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है पहले इंडेक्स में चली जाएगी, लेकिन ओरिजिनल एरे में नहीं, एक नया एरे बन रहा है। दूसरी दफ़ा जब चलेगा तो दूसरी दफ़ा मैं रिटर्न करूँगा ये दूसरे इंडेक्स में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे इस डेटा के अंदर अगर तीन इंडेक्सेस थे तो ये तीन इंडेक्स ही रहेंगे, ठीक है। ये पूरा मैप जब चल के ख़त्म होगा तो ये पूरा मैप क्या रिटर्न करेगा, तीन इंडेक्सेस का एक एरे। लेकिन अब इन तीन इंडेक्सेस में क्या होगा, जो चीज़ मैंने तीनों दफ़ा रिटर्न की वो होगी। तो अब ये जो डेटा जो था ये एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, अब ये एरे ऑफ जे एस एक्स बन चुका है। समझ रहे हो ये बात, जो ये रिटर्न करेगा वो एक ऐसा एरे होगा जो एरे ऑफ जे एस एक्स होगा, यानी कुछ इस तरह का एरे होगा, ठीक है। ये ना, ये देखो डेटा जो मैप को मैंने सेलेक्ट किया है, ये पूरा मैप को मैंने सेलेक्ट किया है। हमने ये शुरू से पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में कि कोई भी चीज़ जब रिटर्न करती है उसका मतलब क्या होता है कि खुद गायब हो जाएगी उसकी जगह कुछ, तो ऐसे ये ऐसे गायब हो जाएगा और इसमें एक एरे आ जाएगा यहाँ पर, और जिसके पहले इंडेक्स में एक जे एस एक्स होगा कॉमा, दूसरे इंडेक्स में एक जे एस एक्स होगा और कॉमा, तीसरे इंडेक्स में एक जे एस एक्स होगा, कुछ इस तरह से होगा। समझ रहे हो? अच्छा, इसको रिएक्ट अच्छी तरह से समझता है। रिएक्ट जस्ट ये बोलता है कि भाई क्योंकि ये आइडेंटिकल है ना तीनों, तो इसमें मुझे की का एक प्रॉप दे दो यहाँ पे, यूनिक, सही है। तो वो हम देखते हैं अभी कैसे दिया जाता है की का प्रॉप। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास नेम जो मैंने यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे साथ साथ मैं क्या दूंगा इसको, एक की का प्रॉप दूंगा, अदरवाइज वो एरर देता रहेगा। बल्कि वो एरर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। वो ये देखो, ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। वो कह रहा है यार की दे दो, क्योंकि ये एरे है ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एरे में सारे आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू चेंज है ना सबकी, लेकिन कह रहा है कि की का प्रॉप दे दो ताकि मुझे समझ में आने में आसानी हो। तो मैं इसमें इंडेक्स दे दूंगा, क्योंकि इंडेक्स इज़ अ यूनिक नंबर, जब ये चार दफ़ा घूमेगा पाँच दफ़ा तो इसमें हर दफ़ा एक डिफरेंट नंबर आएगा। इसकी जगह मैं बाई द वे प्रोडक्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी भी दे सकता था, सही, अगर वो यूनिक है मुझे पता है, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट नेम भी दे सकता था, लेकिन नेम शायद डुप्लीकेट हो जाए तो नेम नहीं दूंगा, कोई ऐसी चीज़ दूंगा जो यूनिक है। मेरे केस में इंडेक्स इज यूनिक, तो मैंने इंडेक्स इसको दे दिया। अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं ज़रा। रिफ्रेश किया मैंने, वो वाली वार्निंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ये लाइन से मुझे सारी की सारी प्रोडक्ट नज़र आ गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ कि मेरे पास क्या आया है यहाँ पे, 9 प्रोडक्ट्स सर्वर से रिटर्न हुई थी, तो 9 की 9 प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है, यहाँ तक की बात सबको समझ आई कि कैसे हो रहा है? सही है, ये मैंने एक हेडिंग लगा दी इसमें H1, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इन सारी प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ CSS अप्लाई करनी है जो मैंने लास्ट में भी की हुई थी। तो लास्ट वाली CSS को ही उठा के ले आता हूँ मैं और यहाँ पे लाके अप्लाई कर देता हूँ। लास्ट वाली CSS में मैंने क्या लिखा हुआ था, PWA में लगाया था CSS, इसमें नहीं है। index.html ये था, आई थिंक प्रोडक्ट लिस्ट डॉट डिव ये था। अच्छा, ये तो कोई खास स्टाइलिंग नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्ट ठीक है जी, प्रोडक्ट लिस्ट ही लगाया था मैंने, चलो ले आते हैं। अच्छा, अब ये स्टाइलिंग इस केस में मैं कहाँ करूँगा, मेरे केस में मेरे पास जो भी CSS की फाइल इसके साथ अटैच है यानी app.css, इसमें जाके मैं ये बात लिख दूंगा तो उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा प्रोडक्ट लिस्ट, और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो div है उस पर मैंने कहा कि भाई बॉर्डर शॉर्डर लगा दो ये सारा। तो मेरे केस में जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है एक्चुअली, इसका कोई पेरेंट नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे कर देता हूँ, मैंने कहा डाई प्रोडक्ट जो है ना उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँ।
तो ऑटोमेटिकली ये वही सेम स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई, जस्ट इस पर एक बॉर्डर लगा हुआ था, दैट्स इट। तो ये इस पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो वही सी एस एस है, सब कुछ वही है, और मैंने उसको रिएक्ट पे अप्लाई कर दिया। इस पॉइंट पे हमारा जो डेटा फैच करने का जो टॉपिक था, इंटरनेट से डेटा फैच किया हमने और उसको लाके स्क्रीन पे रेंडर कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ये काम हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यूज़ इफेक्ट यहाँ पे पूरा कवर नहीं हुआ है, सही है। यूज़ इफेक्ट का ये जो डिपेंडेंसी एरे वाला पार्ट है ना, ये रहता है अभी, ठीक है, ये अभी यहाँ पे कवर नहीं हुआ। अच्छा, ये थोड़ा सा आर्टिकल में इसने जिक्र किया है इस बारे में, तो ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है एक्चुअली, लेकिन ये कवर अभी नहीं हुआ। ये अब जाहिर है मुझे कोई चीज़ अच्छे से पढ़ाने के लिए ना एक सर्टेन सिनेरियो चाहिए होता है, तो ये सिनेरियो आएगा थोड़ी देर बाद, तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि ये इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वेल, तो ये डिपेंडेंसी एरे के बारे में कुछ कह रहा है कि वन अदर थिंग दैट यू माइट हैव नोटिस्ड, वी हैव पास्ड एन एम्प्टी एरे एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ यूज इफेक्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल दैट इज इफेक्ट डिपेंडेंट ऑन, सही है। अब ये जो यूज इफेक्ट जो है ना, कह रहा है ये ना साइड इफेक्ट है, ये क्या है, साइड इफेक्ट। मिसाल के तौर पे हम पेन किलर खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, किडनी ख़राब करता है, और भी हो सकता है कुछ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेडिसन होती हैं जिसको हम खाते हैं तो वो दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है, साइड इफेक्ट है उसका, ठीक है। इसी तरह स्मोकिंग का साइड इफेक्ट है कि भाई लंग्स ख़राब करते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसका साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट असल में क्या चीज़ होती है कि जिस जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम तो हो जाता है, लेकिन साइड में भी कुछ काम छोटा सा अलग से हो जाता है। तो ये यूज़ इफेक्ट जो है ना, ये असल में साइड इफेक्ट है। अब ये कह रहा है कि ये जो एरे है ना, सेकंड आर्ग्यूमेंट, ये बताएगा कि ये क्या है, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट दिस इफेक्ट, यानी ये जो साइड इफेक्ट है ये किन एरे पर डिपेंडेंट है, सही है। मिसाल के तौर पर लंग का ख़राब होना किस वजह से होगा, एक्चुअल चीज़ क्या है, तो वो यहाँ पे लिस्ट होगी, ठीक है। वेल, अभी शायद ये इस तरह समझना है, वेल इफ वी डोंट पास द एरे एट ऑल देन द यूज इफेक्ट विल रन ऑन एवरी रेंडर। कह रहे हैं कि अगर हम ये एम्प्टी एरे पास नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, इस यूज इफेक्ट को वो हर रेंडर पे चलाएगा। हर रेंडर पे चलाने से क्या होगा, हम उसी जगह पहुंच जाएंगे इनफाइनाइट लूप जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमें ये एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हर रेंडर पे उसको चलाएगा। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो हमें हर रेंडर पे करने हो, मे बी, तो फिर उसमें मैं ये नहीं लगाऊंगा तो हर रेंडर पे चलेगा। लेकिन अगर ये मैं हटाता हूँ तो एक प्लेन सिंपल फंक्शन भी फिर उसी तरह एक्ट करेगा, फिर यूज़ इफेक्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं फिर मैं प्लेन फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी एरे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहेगा अगर मैंने यूज़ इफेक्ट बनाया, तो अगर मैं ये हटाता हूँ तो एक प्लेन फंक्शन में और यूज़ इफेक्ट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अच्छा, एज इट विल रीडन द इफेक्ट आफ्टर कॉल द सेट पोस्ट दिस दिस दिस, अच्छा ये बताना चाह रहा है कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट चल जाएगा ये, तो ये बात बताना चाह रहा है, ठीक है, कि भाई अगर ऐसा किया आपने तो इनफाइनाइट हो जाएगा। द यूज इफेक्ट हुक विल ओनली क्यू अप इफेक्ट अनदर टाइम इफ समथिंग इन दिस एरे चेंजेस, एंड सिंस द एरे इज एम्प्टी दिस इफेक्ट विल ओनली रन वंस आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि ये यूज इफेक्ट क्या करेगा, अगर उस एरे के अंदर आपने कुछ वेरिएबल के नाम बताए हुए हैं अगर, तो सिर्फ उन वेरिएबल्स के चेंज होने पे ये यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने फिलहाल इसको एम्प्टी रखा है तो ये सिर्फ पहली दफ़ा जब रेंडर होगा तो चलेगा, उसके बाद दोबारा कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक आप पूरा पेज रीलोड ना कर दें या पूरा ऐप को बंद करके ना खोल दें, जब पहली दफ़ा आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये सिर्फ उस दफ़ा चलेगा यूज इफेक्ट, दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा क्योंकि डिपेंडेंसी एरे में कोई नाम नहीं दिया हुआ। हम क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, उसमें कुछ वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल के नाम की जब बात होती है तो मैं असल में स्टेट वेरिएबल की बात, यानी रिएक्ट में अब आगे कहीं पे भी वेरिएबल की जब बात होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेट वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो वो स्टेट वेरिएबल होंगे, वो प्लेन जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल नहीं होंगे, अगर वो मैं रखूँगा तो उस पर ही काम नहीं करता। वेल, तो कह रहे हैं कि भाई हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, उस एरे में कुछ वेरिएबल के नाम पुट कर देंगे और वो वेरिएबल अगर चेंज होते हैं तो ये इफेक्ट दोबारा चलेगा। लेकिन अब इसका यूज़ क्या होगा, कहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें वेरिएबल डालें, ये आगे इंशाल्लाह आएगा एक सिनेरियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा,
टेक अ फ्यू सेकंड एंड ट्राई दिस आउट. एक्सटेंड द UI टू इंक्लूड मोर डेटा फ्रॉम द रेडिट पोस्ट लाइक देयर स्कोर एंड द सबमिटिंग यूजर. मेक द टाइटल इनटू अ लिंक एक्चुअल पोस्ट दिस 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 लाइक दैट. अब ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, रेडिट की एक API इसने कॉल की है इस आर्टिकल के दौरान. कह रहा है उस API को आप कॉल करें और उसके अंदर ना कुछ लिंक्स वगैरह दिए हुए, ठीक है, अगर कोई लिंक है तो उसको क्लिकेबल लिंक हो जाए वो, जब रेंडर हो तो सही है. कुछ इमेजेस हैं वो एज अ इमेज डिस्प्ले हो जाए जब ये रेंडर हो तो, ये इस तरह की कुछ और चीज़ें कह रहा है वो आप करें. तो आपका यूरो टर्न क्या है कि वेदर की API जो आप पहले भी एक दो दफ़ा कॉल कर चुके हैं उसको कॉल करें रिएक्ट की ऐप में, और एक अच्छा सा वेदर का डेटा डिस्प्ले करवाएं. उसके अंदर अगर कोई इमेज आती है आपके पास तो वो आप इमेज भी डिस्प्ले करें, और जो भी उसमें चीज़ें हो सकती हैं वो आप उसको करें. ठीक है, हो जाएगा ये काम. ठीक है, ये अभी फौरी तौर पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर से कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छा, अब ये डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट करके इन्होंने बताया है कि भाई आप ना इस पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि वो एक नई ऐप आप अपने कंप्यूटर में कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम पहले ही कर चुके हैं. एक आपने कंप्यूटर में कैसे करना है, आगे देखते हैं अब हमारे पास क्या है यहाँ पे. एक्चुअली इन्होंने वो रेडिट की API यहाँ पे ना कॉल की है दोबारा से. ठीक है, रेडिट की API कॉल कर दी, अब आगे क्या कर रहे हैं. डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, ये बता रहे हैं कि स्टैटिक होस्टिंग पे कैसे जाएगा. तो सर्च इन्होंने चूज़ किया है, हमने लास्ट टाइम फायरबेस होस्टिंग पे इसको होस्ट करके देख लिया. तो सर्च पे भी आप होस्ट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह. npm install -g सर्च करेंगे तो सर्च का CLI टूल इंस्टॉल हो जाएगा जैसे फायरबेस टूल्स किया था हमने. और उसके बाद आपने करना है npm run build, और सर्च लिखेंगे आप तो सर्च आपसे पूछेगा कि आपका वो कौन सा है बिल्ड का फोल्डर, आप बिल्ड के फोल्डर का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे और वो होस्ट हो जाएगा. ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया. और हमें अगला काम क्या करना है, हमारा जो रोड मैप है वो क्या है. हमारा रोड मैप ये है कि इस रिएक्ट की ऐप में हम क्रड ऑपरेशन कर लें जो हमने ऑलरेडी प्लेन HTML पे किया हुआ है, और उसके बाद हम क्या कर लें, थोड़ी इसमें CSS लगाना सीख लें, जो एक दो फ्रेमवर्क्स हैं इनके मटेरियल UI है, और वो उसके बेसिक्स एटलीस्ट समझ लें हम कि वो स्टाइलिंग बेसिकली काम कैसे करती है. ठीक है, हम वो समझ लें. ये रोड मैप याद रखना, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं रोड मैप. ठीक है, हमने अगला काम ये करना है कि क्रड ऑपरेशन इन React और स्टाइलिंग React ऐप, और थर्ड हमने क्या बनाना है, चैट ऐप विथ React. ठीक है, ये तीन काम हमने React में करने हैं, फिर हम इंशाल्लाह डायरेक्ट चैट बोर्ड की तरफ मूव कर देंगे. React हमारा, हमने एक ओवरव्यू है React का जो ज़ाहिर है हमें चाहिए, उसकी ज़रूरत होगी हमें. अच्छा, React हम ज़ाहिर है आखिर तक हमारे साथ साथ चलेगी क्योंकि वो चैट ऐप तो फिर उसी तरह रहेगी. वो रियल टाइम ऐप होगी एग्जैक्टली. हाँ, एक इमेज हो जाए तो एक इमेज से क्या करना है, मतलब नॉट जेएस में इमेज अपलोड करना हमने नहीं सीखा, राइट? यार वो स्टोरेज बकेट वाला जो है ना, वो क्लाउडनरी भी एन ऑप्शन है, क्लाउडनरी भी एक ऑप्शन है, लेकिन क्लाउडनरी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन. असल में यार यहाँ पे ना इस क्लास में मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, राइट? एक दूसरी क्लास चल रही है बैज 8 के नाम से, उनको मैं ये पढ़ाने लगा हूँ नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे होता है. हाँ, वेब डेवलपमेंट जो बैज 8 है ना, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ. तो अगर वो आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि Node.js के सर्वर पे कैसे इमेज अपलोड होती है और वो कैसे स्टोरेज बकेट में सेव होके MongoDB में सेव होती है, तो ये बेसिक्स तो सब आप पढ़ चुके हैं. उसमें एक लाइब्रेरी होती है वो मल्टर, ठीक है, वो लाइब्रेरी के ज़रिए हम उसको अपलोड करवाते हैं. तो वो एक लाइब्रेरी है छोटी सी, वो देख लीजिएगा आप कैसे यूज़ होता है. मेरे ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो एक घंटे की या डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, जितनी भी उसकी क्लास होती है. फॉर्म डेटा से ही अपलोड होती है इमेज, नहीं इससे नहीं होती, फॉर्म डेटा से ही होती है वो. ठीक है,
अच्छा तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट से डेटा फैच करने वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, यूज़ इफेक्ट हमारा थोड़ा सा रहता है वो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा अगला काम हमें क्या करना है,